दो कैंप साइट जो मैंने बुक की स्टार्टिंग में, दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। भाई चाइना के अंदर चीजें ढूंढनी इतनी मुश्किल क्यों है? गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई दोपहर का टाइम हो चुका है, लगभग 3:30 हो रखे हैं और आज भी दुनहुआंग में हूँ, लेकिन दुनहुआंग के जो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स है ना, आज मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। और आज रात भाई मैं वहाँ कैंप करने वाला हूँ। और वहाँ जाने से पहले मैं ना चाहता हूँ कि मैं कुछ पावर बैंक ले लूँ। मेरे पास दो पावर बैंक लेके आया था मैं इंडिया से, उन दोनों में से एक तो मैंने शुभम को दे दिया और दूसरा मेरा पावर बैंक खराब हो गया। और अब मैं यहाँ पे ओप्पो या वीवो का कोई स्टोर ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं वो पावर बैंक खरीद सकूँ। यहाँ पे चाइना के अंदर जो पावर बैंक है काफ़ी सस्ते मिलते हैं। बेसिकली अपने इंडिया में भी जो पावर बैंक 90% ऑफ द टाइम वो चाइना से ही बन के जाते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो वो सस्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखिए, ये वाला वही मार्केट है जो कल रात को आपने शायद वीडियोज़ में देखा होगा। लोगों से पूछना पड़ेगा यार कि कहाँ मिलेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे कल रात को जब मैं घूम रहा था ना तो मेरे को दुकानें सिर्फ वैसे ही दिख रही थी खाने पीने की। खाने पीने के अलावा यहाँ पे या तो वो थोड़े बहुत सोविनियर खरीदने वाले। आई वॉन्ट टू बाई अ पावर बैंक, वेयर आई कैन बाय? ओप्पो वीवो होटल वैसे देखिए चाइना के अंदर ये वाला पावर बैंक है जो आप किराए के ऊपर ले सकते हो, रेंटेड वाले ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये वाला कंसेप्ट शायद अब अपने इंडिया में भी आ गया है, लेकिन रेंट वाले नहीं यार। एक पावर बैंक आपके पास अच्छा होना चाहिए। रात को यहाँ पे इतनी भीड़ होती है और दिन में इतनी ज़्यादा शांति हो रखी है यहाँ पे। अरे पहुँच गया हूँ भाई मैं, यहाँ पे दिख रही है मेरे को दबा के मोबाइल की शॉप, और कौन से पे मुझे सस्ता मिल जाएगा वो देखना है बस। होनर उधर हुआवे का शोरूम है, इधर ओप्पो का है। मुझे यार वो शाओमी वाला जो पावर बैंक आता है ना वो लेना है। हेलो नी हाओ, पावर बैंक, आई वॉन्ट टू बाय अ पावर बैंक और दिस, हाउ मच दिस, हाउ मच? सस्ता दे दो यार। एंड दिस 150, 20,000 mAh का, 150 में भाई इसके साथ तीन केबल आ रही हैं और 20,000 mAh का है ये। भाई से डिस्काउंट मांगे क्या? ठीक है। ये भाई ये लिया मैंने पावर बैंक जो मुझे पड़ा है 120 yuan का, जो आपके हो जाते हैं लगभग 20,000 mAh का पावर बैंक मुझे पड़ गया 1300 रुपये का, 1300 रुपीज में मुझे थोड़ा पावर बैंक थोड़ा अच्छा सा मिल गया। ये पैकिंग वैकिंग सब मस्त है इसकी। अच्छा ये भी है क्या इसमें? अच्छी बात क्या है, इसके अंदर केबल वेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा इसमें डाला। और साथ में इसमें आईफोन वाली केबल भी है, USB-C भी है और साथ में ये भी है, तो सारी की सारी सारी केबल इसके अंदर आ जाती है। ओके शेष है, तो चार्ज कर सकता है भाई ये दो चीज़ों को एक साथ, बड़ा सही है ये। शेष है, हाँ शिमा मिंग्स यंग है शेष है, या वो लाइज इंदू इंदू आ हाँ वे लाइज ए दुनहुआंग दुनहुआंग ओके ओके बाय बाय शेष है। ले लिया भाई 120 में पावर बैंक। वैसे अगर मैं ये बिना वायर वाला लेता ना तो ये मुझे और सस्ता पड़ जाता, 20 मतलब कि 100 yuan का ही पड़ जाता, लेकिन फिर इसके अंदर ऑलरेडी 3 इनबिल्ड वायर है, उससे काम चला लूँगा मैं अब। ठीक है ये ऑलरेडी 83% चार्ज है, तो मुझे चार्जिंग वाला भी लफड़ा नहीं है, अब सीधा मैं यहाँ से गाड़ी या फिर टैक्सी पकड़ के जो सैंड ड्यून्स है ना उनकी तरफ निकलूँगा। गर्मी वैसे अभी भी अच्छी खासी है और चाइना के अंदर ज़्यादा टाइम जोन ना होने के कारण अभी देख लीजिए 4 बज चुके हैं और 4 बजे भी ऐसी धूप पड़ रही है कि दोपहर के 1 या 2 बजे होंगे। तो हाँ ओके
भाई हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे चाइना में फीमेल टैक्सी ड्राइवर मिल जाती है आपको, ये एक अच्छा लगा मुझे सच में। सीधा सीधा वेट, सीधा वो कैसे बोलेंगे, जी 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 जी। सामने भाई मस्त से सैंड ड्यून्स दिखने लग गए हैं और आज मैं वहीं पे ही कैंप करने वाला हूँ। वहाँ पे पहुँच के फिर देखना पड़ेगा कि भाई क्या सिचुएशन है, कि यहाँ पे मैं अपना टेंट पिच कर सकता हूँ या फिर मुझे किसी के कैंप साइट पर रुकना पड़ेगा। वो सब सीन वहाँ जाके मुझे समझ आएगा, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी अगर टेंट पिच कर दिया ना तो फूक जाएगा सब कुछ, तो थोड़ी देर मुझे वहाँ वेट करना पड़ेगा। और ये जो आंटी है इनकी एज मेरे हिसाब से 50 से 55 के आसपास लग रही है मुझे। इतने बड़े सैंड ड्यून्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं यार, वहाँ पे गाड़ियों को जाने देते हैं नीचे से। यहाँ पे भाई आंटी ने अपने पूरे जो दुनहुआंग के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, ये एक टिपिकल चाइनीज ड्रेस है, ये मगू के जो कल आपने देखी होंगी, और यहाँ पे और कुछ लोकेशन पड़ते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग लगी थी एक तो मगू के उस और एक ये दुनहुआंग के सैंड ड्यून्स। साइड्स में देखे ना भाई, पहाड़ों जितने बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पे, इतने बड़े सैंड ड्यून्स लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे भाई मैंने, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आई होप सुबह बैठ के एकदम सनराइज़ देखने में यहाँ पे मज़े ही कुछ अलग आएंगे। हाँ भाई, हम सैंड ड्यून्स के पास पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए, ये ऐसी हैं चाइना की नहरें। भाई अंदर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है मुझे, थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। और यहाँ की गर्मी ऐसी है कि आपको भस्म कर देगी, कुछ ज़्यादा ही तेज़ गर्मी है, लेकिन फिर भी शंघाई और वुहान से काफ़ी ठीक है। ये वाली वो गर्मी है कि आपको सनबर्न दे देगी लेकिन आपको पसीने नहीं आएंगे, सूखी गर्मी है, ड्राई गर्मी। वुहान और शंघाई के अंदर ऐसी गर्मी थी कि भाई पसीने आपके दबा के आ रहे हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब ऑफकोर्स भाई डेजर्ट वाला एरिया है तो ह्यूमिडिटी तो यहाँ पे है नहीं, एकदम सूखी टाइप की गर्मी है इधर। और भाई जो मैंने फोटोज़ में देखा था ना कि यहाँ पे खतरनाक भीड़ हो जाती है, यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, बाउंड्रीज़ के उस पार कोई जा नहीं सकता है शायद। कहाँ से जाऊँ भाई, अरे बाप रे, मैं सोच रहा था भाई अकेले आने की यहाँ पे, और यहाँ पे टूरिस्टों की भर के बस आ रही है। भाई उन सैंड ड्यून्स के ऊपर मेरे को लगता नहीं है जाने देंगे, एटलीस्ट यार एक अच्छी सनसेट तो ले लूँ। भाई चाइना में आप टूरिस्टों को एस्केप नहीं कर सकते। Okay, and is it possible to pitch my own tent here? 我可以在这里搭帐篷吗？ 还是不允许？ 我也是游客， 我不是主人， 我也不知道， 我刚来到。 Okay, 谢谢。 您是一人旅行吗？ 谢谢。 乌来自印度。 你是印度的？ 啊。 भाई ये एकदम चाइना के साउथ से आ रखे हैं, यूनान जो जगह पड़ती है ना वहाँ से। अरे नहीं भाई, ऊपर नहीं जा सकते, हर जगह है ना ये फेंसिंग कर रखी है। फेंसिंग क्यों कर रखी है मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों, यहाँ तो पूरा कमर्शियल वाला माहौल है, पूरा गांव से बसा रखा है इधर। मैं क्या कैंपिंग की उम्मीद लेके आया था और कहाँ पहुँच गया हूँ मैं भाई, हर जगह इन्होंने फेंसिंग कर रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार ये फेंसिंग क्यों। भाई इन सैंड ड्यून्स के बाहर है ना पूरी बड़ी बड़ी फेंसिंग लगा रखी हैं, और जो कैंप साइट मैंने बुक की है अभी लोगों से बात बूत करके, इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप वैसे कैंपिंग नहीं कर सकते, पुलिस आ जाती है और वो पुलिस आपके साथ पंगे कर सकती है, और उस टाइप के कैंपिंग के लिए आपको थोड़ा और आगे की तरफ जाना पड़ेगा, और वो जगह कम से कम 15 से 20 किलोमीटर अलग से पड़ जाएगी। मतलब कोई बात नहीं, तो ठीक है मैं थोड़ी ऐसी कैंप साइट पर चला जाता हूँ जहाँ पर थोड़ी जनता कम हो। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो कैंप साइट मुझे मिल रही थी, और उन कैंप साइट को जब बुक किया तो भाई उनमें दो कैंप साइट जो मैंने बुक की स्टार्टिंग में, दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रखा हूँ कि मुझे वो कैंप साइट मिलेगी कहाँ से और मैं कैसे वहां पे पहुंच सकता हूं।
भाई चाइना के अंदर चीजें ढूंढनी इतनी मुश्किल क्यों है? एक तो क्या है कि यहाँ पे पंगा क्या है, जो मैं कैंप साइट देख रहा हूँ मैं कैश में पेमेंट नहीं करना चाहता यार। कैश मेरे पास लिमिटेड बचा हुआ है, उसको मैं सहज के यूज करने वाला हूँ, और मेरे को बैंक से नहीं निकालने। तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करके ऑनलाइन बुक कर रहा हूँ। जो कैंप साइट मुझे मिल रही है उसका कुछ इंग्लिश में कुछ अलग नाम है, चाइनीज में कुछ अलग नाम है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता। जाओ भाई जाओ, नहीं डिस्टर्ब कर रहा मैं आपको। फंसा बना दिया है मेरा यार। यहाँ पे चाइना को ना खुला छूट दे देनी चाहिए, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाने दो भाई। तगड़ी चीज है यार। एक तो मेरे पास कॉलिंग सिम कार्ड भी नहीं है, पर कॉलिंग सिम कार्ड होने से भी क्या फायदा, जिस बंदे को मैं कॉल करूंगा 99.9% चांस है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। और एक और बात, यहाँ पे भाई कोई फिरंगी टूरिस्ट दिख नहीं रहा, सब सारे लोकल चाइनीज अपने भाई भरे पड़े हैं। बैग अब मैंने यहाँ पे रख दिए दोनों, अब देखता हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लोगों ने ऐसे माहौल अच्छा सा बना रखा है इधर भाई, इन जगहों पर भी लोगों ने यहाँ पे स्पेशल लॉकर बना के रखे हैं भाई। बड़ी मुश्किल से मुझे कोई बंदा मिला है जो कैंप साइट के लिए लेके जा रहा है। आई यू स्पीक इंग्लिश? नो नो इंग्लिश भाई, गिरा मत देना यार। मस्त सा सीन हो रखा है। कम से कम भाई मैंने 3 बुकिंग कैंसिल कर दी, चौथे भाई ने ढंग से रिस्पॉन्ड किया है। और मैं बुकिंग कर रहा था ये trip.com से, एटलीस्ट उन्होंने पैसे रिफंड कर दिए मेरे। ये वाला जो मैंने बुक किया इसके अंदर से आई थिंक मुझे खाना पीना सब कुछ मिलेगा। और ये भाई थोड़े डरे हुए लग रहे हैं मेरे को, कहीं बस ये डर लग रहा है कहीं गिरा ना दे। शमा मिंगजे सेंजिन, हां सेंजिन, आ माय फ्रेंड कॉल्ड यू, यस। ओ अंग्रेजी नहीं आती भाई इसको, अब यूं लग रहा है कि आधा चाइना इधर आ रखा है भाई, इतनी ज्यादा भीड़। भाई आज मेरा है नहीं चाइना का, अब तक का आप एक बुरा एक्सपीरियंस मान सकते हो, ये काफ़ी देर इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब हुआ इस चीज़ के कारण। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन ये सब है बड़ा मस्त। ये भाई है शेन, या ओके 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 ओके, शमा शेन, या शेन मिंगजे सर जी हाँ। ये भाई इस टाइप के टेंट वेंट हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, और सामने आपको पूरे सैंड ड्यून्स दिख ही रहे होंगे। देखो यार ये वाला एक्सपीरियंस मैं चाइना में पहली बार ले रहा हूँ, और फिरंगी नाम का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ओ भाई इतनी बड़ी बड़ी ये क्या है, ओके। ये भाई कोई चाइनीज टाइप की ड्रेस पहनी हुई है यहाँ पे दीदी ने। अच्छा लोग अभी सारे उधर जा रहे हैं। हेलो ब्रदर, नी हाओ, वेट अ मिनट, ओके। ये देखो यहाँ पे ना भाई पूरी फेंसिंग लगा रखी है। अंदर जाने के लिए मेरे हिसाब से आपको कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए या कोई स्पेशल गाड़ी। हर जगह कैमरा वैमरा लगा रखे हैं। भाई ऊँटों की लाइन, ये डबल हम्प ऊँट है जो पहले भी शायद आपको दिखाए थे थोड़े बहुत, बैक्टेरियन कैमल जो अपने नुब्रा वैली में दिखते हैं ना भाई। इतने ज़्यादा टूरिस्ट कभी नहीं देखे होंगे मैंने, लेकिन जगह देखो आप कितनी प्यारी है। ये मॉन्स्टर ट्रक है क्या भाई, इस पे घुमा रहे हैं पूरा सैंड ड्यून्स देख रहे हो एकदम। मेरे को शुभम के साथ वो टाइम बिताया था ना वो याद आ गया एकदम भाई। चीनियों ने है ना माहौल अलग ही सेट कर रखा है, मस्त लग रहा है यहाँ पे सच में। मेरा जाने का तो उस वाले पे सैंड ड्यून पे मन कर रहा है, लेकिन उधर जा नहीं सकते, ये पूरी फेंसिंग लगा रखी है और जगह जगह कैमरे भी हैं यहाँ पे। भाई पूरा अलग माहौल बना हुआ है यहाँ पे भाई। उधर सनसेट हो गया है और लोग इस पे पागलों की तरह मस्त घूम रहे हैं। ये एक टिपिकल चाइनीज ड्रेस है पुराने टाइम में। चाइना में एक चीज़ देखी है मैंने, लोग बालों का जो स्टाइल है ना सर के ऊपर जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप में बनाने की ट्राई करते हैं। हाउ यू से कैमल इन चाइनीज? चोंगुआ, हां यू कैन कॉल हिम लोथुआ। लोथुआ कैमल, कैमरा कैमल इन चाइनीज लोथुआ। So many international students from India. Ah, medical students. Yeah.
ये भाई बैक्टीरियन कैमल डबल हम्प वाले। बच्चे यहाँ पे भाई स्लाइडिंग कर रहे हैं, सैंड स्लाइडिंग। एक चीज़ है, यहाँ की जो मिट्टी है ना इस रेगिस्तान की, अपने उधर होती है ना वैसी नहीं है, थोड़ी अलग है, क्योंकि लोग यहाँ पे फोटोशूट और तरीके से आई रखे हैं। भाई अभी मस्त गाड़ी हमें लेके जाएगी, पीछे इसने यानी लेवलर लगा रखा है, क्योंकि ये जब भारी भारी गाड़ी चलती है तो शायद मिट्टी के अंदर ज़्यादा वो हो जाते हैं गड्ढे, और उन गड्ढों को सम वो करने के लिए पीछे इन्होंने काइंड ऑफ ये लेवलर लगा रखा है। मस्त गाड़ी है यार भाई, सवा नौ हो गए रात के, सवा नौ के टाइम पे भी अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। जुगाड़ टाइप में बना रखे हैं इन्होंने, लेकिन मस्त जुगाड़ है भाई। इसके टायर देखो आप, भाई नीचे कैंप साइड की तरफ आ गए हैं। ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े सैंड ड्यून्स के बीच में यहाँ पे इस लेवल का ओवर टूरिज्म मैंने किसी कंट्री में नहीं देखा है। और भाई सबसे तगड़ी बात कि इनकी लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी है कि चीनी बंदों को मेरे हिसाब से बाहर के लोगों की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन अभी आई थिंक चाइना गवर्नमेंट अच्छा खासा काम कर रही है कि लोग यहाँ पे बाहर से घूमने वूमने आए। यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? अरे खाना पीना सब है यहाँ पे। ऊपर से राइड वाइड करने के बाद हम नीचे आ गए और यहाँ पे हमारा डिनर चल रहा है, और डिनर करते टाइम मुझे चार ऐसे बंदे मिले जिनको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है और मुझे चीनी थोड़ी बहुत आती है, तो इनके साथ ओके नो इट्स ओके इट्स ओके ओके गांबे चीयर्स गांबे। तो इस जो मैंने आज ये लिया है ना, इसके अंदर हर चीज़ इंक्लूडेड है, मेरा खाना पीना और सब कुछ। तो अभी हमारे सामने है हॉटपॉट शानशु मिंगजी या एंड यू लियो लियो किंग यू ओके 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 Cheers! Come in! 什么名字? 金贤林还有阿虎来感受一下你们热情吧，来继续哦！不能可有是我今生的我已经不再转移喂给好来激情自如亲爱的朋友们，大家晚上好！滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴来准备好，那么来准备好，来我们再来一次。好，来挥挥手，亲们。朋友一相依，知己相知。来，兄弟们，先把咱们先坐下来，先坐下来。भाई अभी एक ऐसी जगह पे आ गए, यहाँ पे आग जलाएंगे लोग और आखिरी यहाँ पे बोन फायर होगा। What's your name? My name is Gao Qian. Gao Qian, okay. Nice to meet you. Your name? Deepanshu. Okay. Wu Lai Zhu Indu. Wu Lai Zhu Indu. Indu, Yeah. 人人窥见，不要悲伤，不要害怕。
भाई क्या कर रहे हैं अभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोन फायर मैंने नहीं देखा था लाइफ में कभी। चाइनीज लोगों का मजा लेने का थोड़ा तरीका अलग है। आई थिंक भाई प्रोग्राम खत्म होने को आया है, 11 बज चुके हैं रात के। डिनर वाला एरिया इधर था और फिर इधर लोग डांस करने आ गए थे। 5-10 मिनट के लिए बोन फायर भी हुआ था, पर बोन फायर जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं था, थोड़ा अलग टाइप का माहौल था। तो है तो यार ये बाय बाय। ये जो भाई मेरे को बंदे मिले थे वो निकल रहे हैं। शेषिया तो ये जो भाई हैं भाई मुझे स्पेशली अब आगे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो भैया मैं एकदम रेगिस्तान के बीचों बीच आ रखा हूँ सैंड ड्यून्स के। इधर ये देखिए लगभग लोग सो चुके हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी देखने आ रखे हैं। जो गैलेक्सी का व्यू है ना बड़ा शानदार आ रहा है। अभी मैंने लाइट ऑन कर दी, मेरे साथ जो पीछे वाले बंदे होंगे उनको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन एक मेरे साथ मस्त सीन और हो गया था। बाकी यार मज़े मस्त आए थे यहाँ पे। पहले मैं जब पहुँचा, पहले तो एक तो यहाँ पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क हो गई थी। कम से कम 3-4 जो बुकिंग्स थी मुझे कैंसिल करनी पड़ी, फिर जाके मुझे ये वाले भाई साहब मिले और इन्होंने फिर मुझे यहाँ पे एंट्री दी। फिर आगे भाई मैंने सनसेट देखा और डिनर के टाइम तो और ही मस्त हो गया था। डिनर भाई काइंड ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि जितने भी लोग यहाँ पे थे सबका एक साथ था, तो सारे वहाँ पे जाके बैठ के हमने एक साथ डिनर किया। और कुछ और लोग मिल गए थे वो भी काफ़ी खुश थे जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं इंडिया से हूँ। सब सही चल रहा था और भाई फिर वो बोन फायर वाला सीन होता है, आग वाग जलाई और भाई अपने पटाखे फोड़े और उसके बाद वो वाला प्रोग्राम हो गया ख़त्म। और फिर भाई जब मुझे टेंट देने की बारी आई तब एक मस्त सीन हुआ, मैं टेंट के अंदर जाके बता पाऊंगा आप लोगों को। बाकी इधर कुछ लोग इधर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग लोग अभी इधर सो चुके हैं। आवाज़ से पहले से बहुत कम हो गई है, लेकिन अब मैं थोड़ी ये लाइट भी बंद कर देता हूँ ताकि जो लाइट पोल्यूशन हो कम हो और यहाँ पर जो लोग गैलेक्सी विल को देखने आ रखे हैं वो ढंग से देख सकें। थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, भीनी, लेकिन रात के 1:05 हो गई हैं और लगभग आधे घंटे यहाँ पे रुक के मैं फिर अंदर जाने की कोशिश करूँगा। और तब तक कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी एक टाइम लैप्स लूँ गैलेक्सी की जो और मस्त आए। फेंसिंग अभी रात को खोली हुई है पता नहीं क्यों। अभी जा रहा हूँ भाई वापस से, अभी रूम के अंदर जाऊँगा। एक बार आप लोगों को जाके रूम भी दिखाना है जो मेरा टेंट मिला है मुझे आज। रात के 1:30 बज चुके हैं, तब जाके सोना है क्योंकि कल सुबह मुझे आगे की तरफ भी निकलना है। ये देखिए भाई ये है मेरा टेंट जो मुझे आज मिला हुआ है। बाहर का माहौल आपने देख ही लिया होगा, ये इधर अब मैं सोने वाला हूँ। इसकी जो बुकिंग थी ना मैंने ऑनलाइन की थी trip.com पे, और आज trip.com से भाई जो बाकी बुकिंग्स भी थी ना इससे पहले जो मैंने बुक किए थे वो भी trip.com से ही किए थे, लेकिन भाई वो जगह नहीं मिली और बंदों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बोलते कि आएंगे लेकिन फिर पिकअप करने कोई आया नहीं। लेकिन फाइनली इस जगह वाले भाई ने मेरी उस बुकिंग को भी एक्सेप्ट किया और मुझे पिकअप भी करने आए। लेकिन क्या होता है ये सारे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब सोने का टाइम आता है रात को 10:30-11 बजे के आसपास, मैं बोलता हूँ चलो भाई अब खाना पीना हो गया, वो पार्टी हो गई थी, बोलता है अब चलो रूम दिखा दो मेरे को। फिर यहाँ टेंट के बाहर आके बोलता है कि यार जो रूम तुमने बुक किया था ना वो तो अभी हम अवेलेबल है ही नहीं, हो तो हमारे पास दूसरा रूम है ये वाला टेंट और इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेंगे 300 युआन। अब बात पैसे की नहीं यार, बात मुझे पहले भी बता सकते जब मेरी एंट्री हुई थी उस टाइम उन्होंने बताई नहीं, और बाद में बोलते कि अब आपको पे करने पड़ेंगे। बोलता नहीं भाई आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं ऑलरेडी इतना टाइम खराब कर चुका हूँ अपना और फिर तुम रात के टाइम पे बताते हो, बंदे के पास कोई ऑप्शन ही ना हो। फिर मैंने थोड़ी बहुत बातें की और भाई वो बंदे एग्री करके बोलते कि ये हमारी गलती है और हमने आपको पहले बताया नहीं था। और बाद में भाई उन्होंने मुझे ये एक वो दे दिया, अपग्रेड दे दिया। ये देखिए आप, सोफ़ा भी है,
बेड भी है, सब कुछ। अब आ गया भाई मेरा सोने का टाइम, और आज मैंने देख लिया कि भाई चाइना के लोग किस तरीके से पार्टी करते हैं और चाइना के लोग किस तरीके से कैसे कैसे घूमने जाते हैं। जब मेरी पिछली ट्रिप थी उस टाइम में ये वाली चीज़ें देख नहीं पाया था, और अब आगे एक दो दिन जो मेरे पास बचे हैं अभी चाइना में, वो और अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ी मस्त मस्त जगह जाऊँ, क्योंकि अब एक ऐसी जगह और है जो मेरी आगे की जर्नी होने वाली है। वहाँ पर जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इस साइड वाला एरिया है, जहाँ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टार्ट होती है या फिर इस साइड ख़त्म होती है, उस तरफ जाऊँगा मैं। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कल सुबह उठ के जो इस टेंट के बाहर वाला माहौल है वो आप लोगों को ढंग से दिखा दूंगा।